केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गडकरी ने वसुंधरा को पाक साफ साबित करने की कोशिश की तो कांग्रेस सवालों की नई फहरिस्त लेकर सामने आ गई। ललित मोदी की मदद के मामले में विवादों के घेरे में आई वसुंधरा राजे के घर पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सरकार की तरफ से पहले भी इस मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी जा चुकी थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक बार फिर यही संदेश देने की कोशिश हुई कि पार्टी इस मुद्दे पर वसुंधरा के साथ है। वसुंधरा जी लीगली, लॉजिकली, इथिकली बिल्कुल करेक्ट है, कहीं उनका कोई गलती नहीं है, कोई करप्शन नहीं है और कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजस्थान की और हमारी भारत सरकार पूरी तरह वसुंधरा जी के साथ खड़ी है। इस मुलाकात से कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई। सुषमा स्वराज के मुद्दे पर सवालों की फेहरिस्त लेकर हाजिर होने वाली कांग्रेस वसुंधरा के लिए भी 5 सवाल लेकर खड़ी हो गई। क्या सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे भ्रष्टाचार निरोधी धाराओं के तहत दोषी नहीं है? क्या दोनों फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग की दोषी नहीं है? क्या विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री राजे पासपोर्ट एक्ट में दोषी नहीं है? क्या मॉरिशस की कंपनी से वसुंधरा के बेटे की कंपनी को 20 करोड़ मिलना साधारण सौदेबाजी है? आखिर क्यों वित्त मंत्री ने ललित मोदी और मुख्यमंत्री राजे को क्लीन चिट दी? कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो उन्होंने चुप्पी शादी की है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ये सब कुछ हो रहा था। तय है कि कांग्रेस इस विवाद की आग को ठंडा होने नहीं देना चाहती और इसलिए सरकार की तरफ से आने वाली हर सफाई पर सवाल भी उठते हैं और बवाल भी शुरू हो जाता है। जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक।